Guys, welcome to the Smart Learning. Please subscribe, like, share, and for notification, press bell. Today our topic is speed, time, and distance. So, in that, first of all, problems on trains. So, pehla case one hai isme, train crossing a stationary object without length. अर्थात कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ नहीं है, उसे अब क्रॉस करती है तो क्या होगा, टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, अर्थात टी बराबर एल टी ओवर एस टी. सेकेंड केस है ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद लेंथ, तो क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, अर्थात एल टी प्लस एल ओ ओवर एस टी. नेक्स्ट केस है ट्रेन क्रॉसिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, अर्थात एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे विदाउट लेंथ क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, टाइम टी बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, अर्थात टी बराबर एल टी ओवर एस टी प्लस एस ओ. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस. नेक्स्ट है ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद लेंथ, तो टाइम टी बराबर सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वही सेम एल टी प्लस एल ओ ओवर एस टी प्लस एस ओ, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो एल टी प्लस एल ओ ओवर एस टी माइनस एस ओ, बस माइनस का चिन्ह का अंतर आ जाता है, सेम डायरेक्शन में माइनस अपोजिट में प्लस. अब है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो इसे वैसे भी कर सकते हैं 1000/3600, तो उसे काट लेंगे तो 5/18 ही आएगा, और 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर.